राजधानी शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी पराला शिफ्ट नहीं होगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह फल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मंडी के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और मंडी के सुरक्षित हिस्सों में ही कारोबार शुरू करने की बात कही और इसके लिए कमेटी का गठन भी किया जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही आढ़तियों को किलो के हिसाब से ही सेब खरीदने की सख्त हिदायत दी। इसके अलावा आढ़तियों बागवानों की समस्या को भी सुना। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह मंडी सबसे पुरानी मंडी है और इसके साथ कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा गलत स्थिति बताकर इसे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन यह मंडी यहां से शिफ्ट नहीं होगी। इस मंडी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन दूसरा हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पर कारोबार किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया जो कि 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और वहीं पर सेब का कारोबार होगा। उन्होंने कहा कि इस मंडी के ऊपर से मलबा गिरा है और एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार इसके लिए गंभीर है और यहाँ पर सभी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, ऐसे में पूरी एहतियात बरती जाएगी। देखिए, मैं धन्यवादी हूँ जगत सिंह नेगी जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, आज ये दौरे पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कुछ एक लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पब्लिक के बारे में या जो दूसरे आढ़ती जो पुराने समय से हैं उनके बारे में नहीं सोचते, उन लोगों ने प्रेशराइज करके जो है गलत पिक्चर जो है पेश करके बोला कि यहाँ पे जो है मंडी जो है प्राला नहीं होनी चाहिए, यहाँ बंद होनी चाहिए। यहाँ के भाई लोग हमारे से सब मिले हैं, सभी का रोजगार जुड़ा है, चाहे वो आढ़ती है, चाहे वो लदानी है, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे कोई चाय बेच रहा है, सबका रोजगार यहाँ से जुड़ा है, लाइवलीहुड पूरे साल की जुड़ी है। ये बात ठीक है, सरकार बड़ी गंभीर है हमेशा कि कोई अनसेफ नहीं होना चाहिए, किसी को चोट भी लग जाए तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार जो है जवाबदेही होती है। इसके तहत जो है आज माननीय जगत सिंह नेगी जी मंत्री जी साथ आए हैं, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है, एमडी साहब हमारे साथ हैं और पूरा प्रशासन जो है साथ है, वो देखा है अपनी रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर सबमिट करने के लिए बोला है, 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करके जो जो एरिया क्षतिग्रस्त है या डेंजरस है उसमें तो व्यापार नहीं हो पाएगा, इस बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन जो एरिया ठीक है उसमें जो है व्यापार जो है इस साल करेंगे और अगले साल तक, क्योंकि ये 6 महीने या 2 महीने का काम नहीं है कि 2 महीने के अंदर जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें, ये संभव ही नहीं है, इसके जो है पुनः जो है रिस्टोरेशन जो है दोबारा की जाएगी। वही बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंडी के ऊपर मलबा गिरने से इस फल मंडी को असुरक्षित घोषित किया गया और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जो इस पर काम करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि देश में किलो के हिसाब से सामान बेचने खरीदने के लिए कानून बना है और उसी हिसाब से ही सेब बेचे जाएंगे, यदि कोई उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। ये जो मंडी है आप देख ही रहे हैं कि इसमें काफी हिस्सा जो है चट्टानों के गिरने से जो है क्षतिग्रस्त है, तो इसी को लेकर जो है इसको अनसेफ जो है डिक्लेयर किया गया था, परंतु इसके साथ जो है एक और पोर्शन है जो हमें भी लग रहा है कि सेफ है, तो हमारी टेक्निकल कमेटी इसका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद अगर ये सेफ है तो इस पोर्शन में जो है काम किया जा सकता है। कानून देश का बना हुआ है, कोई भी आइटम जो है बाय वेट बाय नंबर बिकेगा और उसके लिए हमने व्यापारी भाइयों से भी किसान संगठनों से भी एक नहीं अनेकों बार बैठक की है और सब ने माना था कि किलो के हिसाब से सेब और फल बेचेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल कार्टन की जो बात कर रहे हैं उसमें ये खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाया है ग्रेडिंग का वो ही यूनिवर्सल कार्टन के रूप में आता है जो मैक्सिमम 24 किलो कार्टन के वेट के साथ है, तो हमने तो वही रखा है अपर लिमिट जो 24 जो खुद मांग रहे हैं लोग, फिर उसमें ये जो दो किस्म की बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे सामने पराला में जो है इन्होंने बाय वेट जो है ऑक्शन किया अभी नहीं कुछ दिन पहले, दो हफ्ता पहले, और आज जो है कोई राजनीतिक बात को लेकर अगर ये करना चाहते हैं तो ये हमें जो है मान्य नहीं है, हम जो है जो कानून है उसको सख्ती से लागू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माननीय यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, हमारे अभी मंत्री अनुरुद्ध जी, ये भी इसीलिए हमें यहाँ पर लेके आए, ये चाहते हैं कि इस मंडी को दोबारा से जो है रिवाइव किया जाए, इसमें जितना भी इसमें जो भी रेस्टोरेशन का काम है, प्रोटेक्शन का काम है, हम इसको करेंगे।